धन्यवाद राधा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू कहानी टोस्ट मास्टर की जुबानी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सुबह के समय जनगण मन का लयबद्ध गान हमें कुछ और ही मूड में ले जाता है, और इस खुशी के मौके पर आज हम सभी इधर इस साथ आए हैं कहानियां सुनने और सुनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चयन के लिए। यूं देखिए तो कुछ लोगों की जिंदगी ही कहानी होती है, और कुछ कहानी को ही अपनी जिंदगी बना डालते हैं। कहानियां पुरातन काल से ही मानव की उन्नति का माध्यम रही है। बच्चों को सुलाते समय बोलने वाली कहानियां, सुनाने वाली कहानियां आज बोर्ड रूम तक पहुंच गई है। कहानी का महत्व दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, और कहानी जो कि कही जाती है दिल से, दिमाग से, भाव से, जिसमें शैली होती है, स्किल्स होते हैं, ना ही इतना बट सब्सटेंस एंड स्टाइल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा मन बहुत सारी भावनाओं से भर जाता है, और यह हमें जीने की प्रेरणा देता है। एक टोस्ट मास्टर जो कि हमेशा पब्लिक स्पीकिंग स्किल की खोज में रहता है, कहानी उसके लिए धरोहर होती है। इस डिजिटल युग में चाहे आप है फेसबुक जाइए या इंस्टाग्राम, जब तक आपकी स्टोरी कुछ व्यक्त करती है, कुछ मैसेज देती है, आप हमेशा सफल होते हैं। आज इस हिंदी भाषा की सभा में मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट ये मेरा एक सपना था कि टोस्ट मास्टर की शैली में अपनी भाषा में कुछ व्यक्त करने का एक मौका मिला जाए, और आज स्वतंत्रता के दिवस में हमें हिंदी में कुछ कहने का ये मौका, हम सब की वजह से एकत्रित होने का एक मौका मिल गया है। मैं आपका सबका अभिनंदन करते हुए आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे हिंदी द्विभाषीय क्लब का शुभारंभ भी होने जा रहा है, और इसी तरह हिंदी में मुंबई में एक हिंदी क्लब की शुरुआत हमें अपने हिंदी को और कहानी को बढ़ावा देने के लिए एक पहला कदम आज हम उठा रहे हैं। भारत में अनेक हिंदी क्लब है, मुंबई में भी हम इस बढ़ावे की ओर जाते हुए एक हिंदी क्लब चालू करना चाहेंगे। कहा जाता है कि वंस विद अ टोस्ट मास्टर ऑलवेज विद अ टोस्ट मास्टर, और मैं जानती हूं कि आप सबका भी अनुभव यही होगा। आज इस हिंदी टोस्टमास्टर की सभा में आइए, ये हिंदी और कहानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, लगता है ये दौर चलता ही रहे चलता ही रहे, और इसीलिए इस राजभाषा में व्यक्त करने का मौका आइए हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। आज इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तिमत्व को मैंने आमंत्रित किया है जिन्होंने कहानी के बलबूते पर न ही अपने क्लब पर बट अपने समाज, अपने संस्था, हर जगह कहानी से लोगों को प्रेरित किया है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ टोस्ट मास्टर जियो को इस सभा को आगे संचालित करने के लिए। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर।